सोलन नगर निगम संघर्ष समिति ने आज स्थापना दिवस मनाया, जिसकी अध्यक्षता नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने की। इस समिति का गठन एक वर्ष पूर्व नगर परिषद को नगर निगम बनाने की मांग को प्रदेश सरकार समक्ष उठाने के लिए किया गया था। कांग्रेस कार्यालय से समिति एक वर्ष से सोलन को नगर निगम बनाने के लिए निरंतर संघर्षरत है, जिससे समिति ने 200 सदस्यों को जोड़कर सोलन वासियों के 8000 हस्ताक्षर कर प्रदेश सरकार को मांग पत्र सौंपा था, लेकिन इस मांग को कांग्रेस सरकार ने ठंडे बिस्ते में डाल दिया था। भाजपा ने चुनावों के समय अपनी मैनिफेस्टो में सोलन की जनता से सोलन को नगर निगम बनाने का वायदा किया था। इसके लिए संघर्ष समिति को आस है कि भाजपा सरकार उनकी मांग को प्राथमिकता देगी। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी रहे राकेश कश्यप भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अधिक जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए सोलन की नगर परिषद को नगर नहीं बनाया जा सका। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में भाजपा ने सोलन की जनता को नगर निगम बनाने का वायदा किया था, इसके लिए वह आश्वस्त हैं कि प्रदेश सरकार इस बारे में कोई सकारात्मक कदम उठाएगी और जल्द ही इसकी प्रक्रिया आरंभ कर देगी। अगर उनकी मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। वहीं भाजपा के प्रत्याशी रहे राकेश कश्यप ने कहा कि वह नगर निगम की मांग को प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष रख चुके हैं और उन्हें भरोसा है कि जल्द ही सोलन को नगर निगम मिल जाएगा। अभी तक जो सिरे ना चढ़ने का एक कारण तो ये रहा कि जनवरी से पहले तो पहली गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के दौरान यही कहा जा सकता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी लीडरशिप की, इस करके नहीं हुई है। अब ये नई सरकार आई है, इनसे जो हमारी बातचीत अभी तक जितने लोगों से भी हुई है उससे हमें ये लगता है कि इनका जो सोचना है सोलन के बारे में वो पॉजिटिव है और इस इशू के बारे में भी इनकी विचार पॉजिटिव है और इन लोगों ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी लिखा है। जैसे एमपी साहब ने कहा कि मेरा पर्सनल कमिटमेंट भी है, तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जो मांग है हमारी ये जल्दी से जल्दी मांग मानी जाएगी। संघर्ष को हमें तब तक जारी रखना है जब तक हमारी मांग नहीं पूरी हो जाती कि सोलन को जो है नगर निगम मिलना चाहिए। मैंने जब पहली बार ठाकुर जयराम जी से सरकार बनने के बाद बात की थी तो सबसे पहला विषय हमने यही रखा था कि सोलन शहर को नगर निगम मिलना ही चाहिए और मैंने संघर्ष समिति को भी ये एश्योर किया है कि हम नेक्स्ट एक साल के अंदर अंदर सोलन शहर को नगर निगम दिलाने में जो है पूरी कोशिश करेंगे।